जय स्वामीनारायण एवरीवन, टुडे वी विल लर्न अ न्यू टॉपिक इन इकोनॉमिक्स इन द फोर्थ यूनिट एंड इट इज अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी। इन आवर प्रीवियस सेशन वी हैव लर्नड अबाउट द फंक्शंस दैट आर बीइंग कंडक्टेड बाय द सेंट्रल बैंक। नाउ वी विल लर्न अ न्यू टॉपिक दैट इज अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी? In simple term, policy undertaken by the apex body to regulate the supply of money in order to maintain the economic stability by considering the economic development and interest of the people. तो ये एक ऐसी पॉलिसी होती है जो एक अपेक्स बॉडी यानी कि जो RBI है उसके द्वारा रेगुलेट की जाती है एंड इट इज रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ मनी। जो सप्लाई ऑफ मनी या जो सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है उससे जुड़ी हुई पॉलिसी को आप मॉनेटरी पॉलिसी कह सकते हो। इस पॉलिसी को इसलिए रेगुलेट किया जाता है, इसलिए चलाया जाता है ताकि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको अचीव किया जाए, यानी कि आर्थिक स्थिति में एक स्थिरता आ सके, इसके लिए इस पॉलिसी को रेगुलेट किया जाता है। इस पॉलिसी को इसलिए भी रेगुलेट किया जाता है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट लोगों का इंटरेस्ट जो होता है उसको भी कैटर किया जा सके। सो द पॉलिसी विच इज रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ मनी कैन बी टर्म्ड एज अ मॉनेटरी पॉलिसी। इट इज बीइंग अंडरटेकन फॉर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ऑल्सो बाय कंसिडरिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। इस पॉलिसी को इसलिए रेगुलेट किया जाता है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक से हो सके। इसके अलावा जो इन लोगों के इंटरेस्ट होती है, लोगों के जो मनी रिलेटेड रिक्वायरमेंट होता है उसको भी सेटिस्फाई किया जा सके। सो दिस इज समथिंग अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ सम इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विच इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन ऑर्डर टू सपोर्ट और इन ऑर्डर टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन और सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जिसको यूटिलाइज करते हुए जो भी क्रेडिट क्रिएशन होता है या फिर जो भी सप्लाई ऑफ मनी जो इकोनॉमी में रहता है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट वैसे दो है, एक है क्वांटिटेटिव मेजर और दूसरा है क्वालिटेटिव मेजर। पहले हम क्वांटिटेटिव मेजर के बारे में कुछ समझेंगे। सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव मेजर्स। इन द क्वांटिटेटिव मेजर्स, द क्वांटिटेटिव मेजर्स आर दोस विच अफेक्ट्स द एंटायर इकोनॉमी। क्वांटिटेटिव मेजर्स वो होते हैं जो पूरी इकोनॉमी को बाय जनरल और कॉमन वे से अफेक्ट करते हैं, इसलिए इन क्वांटिटेटिव मेजर्स को आप जनरल मेजर्स भी कह सकते हो। तो ये क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के या फिर जनरल मेजर्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। और इसमें पहला पॉइंट है बैंक रेट। तो द बैंक इज ऑल्सो रिक्वायर सम सफिशियंट फंड। वेन द बैंक इज इन नीड ऑफ सम सफिशियंट फंड, इट बोरोज फ्रॉम द RBI एंड द रेट एट विच RBI लेंड्स टू द बैंक फॉर लॉन्ग टर्म कैन बी टर्म्ड एज बैंक रेट। यानी कि जो बैंक्स होती है उनको भी सफिशियंट फंड की रिक्वायरमेंट जब हो तब वो RBI से वो फंड बोरो करते हैं और वो RBI से जो एक रेट पर बोरो करते हैं, जिस रेट पर बोरो करते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए, उस रेट को आप बैंक रेट कह सकते हो। सो इट इज द रेट एट विच RBI लेंड्स टू द बैंक फॉर लॉन्ग टर्म। यानी कि एक पर्टिकुलर रेट पे RBI जो सफिशिएंट फंड की रिक्वायरमेंट होती है उसको लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए फुलफिल करते हैं और इस रेट को आप बैंक रेट कह सकते हो। इंक्रीज इन बैंक रेट लीड्स टू लेस बोरोइंग बाय बैंक। अगर बैंक रेट को बढ़ाया जाए तो जो बोरोइंग्स जो बैंक के द्वारा की जाती है वो कम हो जाएगी।
यानी कि यहाँ पे अगर बैंक रेट आरबीआई बढ़ा देता है तो जो भी बोरोइंग्स बैंक के द्वारा की जाती है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए बोरोइंग जो है वो काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ मीन्स इंक्रीज इन द बैंक रेट। अब यहाँ पे क्योंकि बैंक रेट ज्यादा बढ़ गया है इसलिए जो बैंक्स होते हैं वो कम बोरो करते हैं, क्योंकि जो बैंक रेट है वो आरबीआई के द्वारा काफी बढ़ा दिया गया है। तो अगर वो बोरोइंग करते हैं, कोई बैंक बोरोइंग करता है तो वो उनके लिए एक्सपेंसिव होगा। सो एट दिस सिचुएशन लेस लोन एट हायर रेट मीन्स एट दिस सिचुएशन द बैंक प्रोवाइड्स लेस लोन टू द जनरल पब्लिक एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि जब बैंक रेट अगर आरबीआई बढ़ा दे तो जो बोरोइंग्स जो बैंक के द्वारा की जाती है आरबीआई के थ्रू वो बोरोइंग्स कम हो जाएगी, और इस सिचुएशन में जो लोन्स दिए जाते हैं जनरल पब्लिक को वो कम दिए जाएंगे, और अगर दिए जाते हैं तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ दिए जाएंगे। इस वजह से देयर इज लेस क्रिएशन ऑफ मनी, लेस डिमांड फॉर गुड्स एंड लेसर सप्लाई ऑफ मनी। तो लोन जो है वो अगर कम दिया जाए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ तो उससे जो क्रिएशन ऑफ मनी जो इकोनॉमी में होना चाहिए वो कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जो डिमांड जो गुड्स की रहती है वो कम हो जाएगी, और इसके अलावा जो सप्लाई ऑफ मनी जो इकोनॉमी में होता है यानी सर्कुलेशन ऑफ मनी जो इकोनॉमी में होता है वो भी कम हो जाएगा। इस वजह से ये जो इन्फ्लेशन का सिनारियो होता है वो अराइज नहीं होगा। सो कभी कभार जो आरबीआई होता है वो बैंक रेट काफी इंक्रीज कर देता है ताकि जो बैंक्स है वो उनसे बोरोइंग्स का जो प्रोसीजर होता है, जो बैंक्स उनसे बोरो करते हैं वो अपनी बोरोइंग को थोड़ा कम कर दे। और ऐसी सिचुएशंस में जनरली जो भी बैंक्स होते हैं वो लोन्स जो उनके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं वो लोन्स का जो प्रोपोर्शन रहता है उसको कम कर देते हैं, लेकिन उस कम वो लोन्स जो प्रोवाइड करते हैं वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ प्रोवाइड करते हैं, जिससे के जो मनी का डिमांड रहता है वो कम हो जाता है, और इसके साथ साथ जो डिमांड ऑफ गुड्स रहते हैं या फिर जो सप्लाई ऑफ मनी जो इकोनॉमी में होता है वो भी घट जाता है। So this is one of the way to stop the inflation that is being done by the RBI. Second point is repo rate and reverse repo rate. तो ये पहले ये समझ लेते हैं कि repo rate क्या है। So when some security, government security is being sold by the banks to the RBI at a discounting rate and with a condition to repurchase it at a discounting rate, then it is called repo rate. यानी के यहाँ पे कुछ government securities जो होती है वो banks के द्वारा RBI को sold किया जाता है, और ये इस condition के साथ sold किया जाता है कि वो उन सिक्योरिटी को रीपर्चेस करेंगे एट अ डिस्काउंटिंग रेट के साथ। और ये जो डिस्काउंटिंग रेट के साथ उन्होंने रीपर्चेस एग्रीमेंट किया है उसको आप रेपो रेट कह सकते हो। सो इन द रेपो रेट यू कैन से व्हेन द बैंक सेल सम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द आरबीआई in order to raise money and with a condition to repurchase it at a discounting rate, then that rate can be termed as a repo rate. उस rate को, उस discounting rate को आप repo rate कह सकते हो। तो इसमें in the event of inflation, when central bank increase repo rate at this act as a disinvestment for bank
to borrow from the central bank and subsequently they lead to the public at higher rate and ultimately people borrow less and the money supply and inflation can be checked. तो अगर रेपो रेट जो है वो आरबीआई के द्वारा अगर बढ़ा दिया जाए, उसका रेट जो है वो इंक्रीज किया जाए, तो ये बैंक के लिए एक डिसइंसेंटिव के फॉर्म में एक्ट करेगा. डिसइंसेंटिव यानी के उस स्थिति में अगर रेपो रेट जो है वो आरबीआई के द्वारा बढ़ाया जाए तो उस स्थिति में बैंक जो है वो अपना बोरोइंग आरबीआई के थ्रू नहीं कर पाएगा. यानी कि वो लोग जो है वो अमाउंट आरबीआई से नहीं ले पाएंगे क्योंकि रेपो रेट जो है वो उनके द्वारा बढ़ा दिया गया. तो इस स्थिति में दे लेंड टू द जनरल पब्लिक एट हायर रेट. यानी कि इस स्थिति में बैंक जो है वो जनरल पब्लिक को जो भी लोन या फिर जो भी लैंडिंग की जो भी कैश क्रेडिट की सुविधा देता है उसका रेट जो है वो काफी बढ़ा देंगे. एंड अल्टीमेटली पीपल बोरो द लेस फ्रॉम द बैंक एंड द मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन कैन बी चेक्ड. तो इस स्थिति में क्योंकि बैंक ने जो लैंडिंग एक्टिविटी यानी लोन जो प्रोवाइड करने की एक्टिविटी है उसको उसके ऊपर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया है, इस वजह से जनरल पब्लिक जो है वो बैंक से थोड़ा कम बोरो करेंगे और इसकी वजह से जो मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन जो है उसको आप किसी तरह कंट्रोल कर सकते हो. यानी कि दैट कैन बी चेक्ड और दैट कैन बी कैप्ट इनटू कंट्रोल अप टू सम एक्सटेंट. तो ये भी एक तरह की आरबीआई की पॉलिसी है या क्वांटिटेटिव मेजर है जिसके जिसके थ्रू वो मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन जो बैंकों के द्वारा होता है उसको कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट थिंग इज इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट. तो रेपो रेट यानी के व्हेन आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द बैंक with a condition to repurchase it at a discounting rate upon the end of a short duration of time or then that discounting rate can be termed as a reserve repo rate. तो repo rate में जो bank होता है वो RBI को government security sell करते हैं और उसमें ये कंडीशन रहता है कि वो सिक्योरिटी को रीपर्चेस करेंगे एट अ डिस्काउंटिंग रेट, जिस डिस्काउंटिंग रेट को आप रेपो रेट कह सकते हो. और ये जो सुविधा होती है वो सिर्फ एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैंक के द्वारा यूटिलाइज की जाती है. और रिवर्स रेपो रेट में जो आरबीआई होते हैं, आरबीआई वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक को सेल करते हैं और वो ये कंडीशन रखते हैं कि दे विल रिपर्चेस इट एट अ डिस्काउंटिंग रेट विच कैन बी टर्म्ड एज अ रिवर्स रेपो रेट. तो रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो रहती है वो बैंक को सेल करती है इस कंडीशन के साथ कि वो उसे रिपर्चेस करेंगे बट एट अ डिस्काउंटिंग रेट विच कैन बी टर्म्ड एज अ रिवर्स रेपो रेट. तो आरबीआई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रिवर्स रेपो रेट में सोल्ड करते हैं जबकि रेपो रेट में जो बैंक होते हैं वो आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करते हैं. तो इसमें अगर रिवर्स रेपो रेट आरबीआई के द्वारा बढ़ाया जाए तो क्या होगा. इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू बैंक to park their surplus fund with RBI and thereby reduce the lending which is being done by them as well as reduce the supply of money in economy. तो अगर RBI के द्वारा रिवर्स रेपो रेट जो है उसको इंक्रीज किया जाए यानी कि उनको बढ़ाया जाए तो बैंक को
इंसेंटिव मिलेगा जिससे कि वो अपनी जो सरप्लस अमाउंट जो है उनके पास जो भी सरप्लस डिपॉजिट जो पड़े हुए हैं उसको आरबीआई के साथ कंबाइन कर ले या फिर उसे आरबीआई को ट्रांसफर कर दे, इसको पार्क करना भी आप कह सकते हो। बाय इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट देन द बैंक कैन पार्क देयर सरप्लस फंड और देयर सरप्लस फंड टू द आरबीआई और विद द आरबीआई by which they can reduce their lending to the general public and which also reduce the supply of money in economy. तो जब increase in reverse repo rate में किसी तरह का increase किया जाता है तो उसमें जो bank अपने surplus amount जो रहते हैं वो आरबीआई को दे देते हैं जिससे कि उनकी लैंडिंग कैपेसिटी यानी कि उनके पैसा देने की कैपेसिटी जनरल पब्लिक को वो घट जाती है और इस वजह से जो सप्लाई ऑफ मनी जो इकोनॉमी में वो उनके द्वारा किया जाता है बैंकों के द्वारा किया जाता है वो भी घटता है और इस वजह से भी इन्फ्लेशन का जो सिनेरियो है वो क्रिएट नहीं होता। So these are the tools that are being utilized by the bank, by the RBI, which is an apex body, to control the credit creation or the supply of money in the economy. ये bank rate या reverse repo rate या repo rate जो है उनके द्वारा bank जो RBI जो होता है वो बैंकों के द्वारा जो भी क्रेडिट क्रिएशन किया जा रहा है या फिर जो भी क्रेडिट पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा रही है उसे कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो भी सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में रहता है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश किया जाता है यानी कि जो भी सप्लाई ऑफ मनी या सर्कुलेशन ऑफ मनी जो बैंकों के द्वारा इकोनॉमी में क्रिएट किया जाता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। We will learn the remaining points which are there in the quantitative measures of monetary policy. यानी कि आज हम जो क्वान्टिटेटिव मेजर्स जो के बाकी जो पॉइंट्स है वो कंटिन्यू करेंगे। उसमें है स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। सो देर इज अ स्पेशल विंडो फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम आईबीआई अगेंस्ट अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन इमरजेंसी सिचुएशन like acute cash shortage. This rate is higher than the repo rate and this is called marginal standing facility. So stabilization under emergency situation ये एक point है और इस point के अंदर ये explain किया गया है कि bank के पास एक special window, एक special facility होती है जिससे कि वो RBI से borrow कर सके और ये आरबीआई के द्वारा आरबीआई से जो बोरोइंग होता है वो अगेंस्ट अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी या इन एक्सचेंज ऑफ अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में होता है यानी कि वो लोग बोरोइंग तो कर सकते हैं बैंक आरबीआई में आरबीआई से लेकिन वो किसी अप्रूव्ड सिक्योरिटी के अगेंस्ट कर सकते हैं या फिर इन विद द एक्सचेंज ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटी कर सकते हैं और ये जो है वो तब किया जाता है जब बैंक किसी तरह की शॉर्टेज या क्राइसिस फेस कर रहे हो यानी कि बैंक किसी तरह की इमरजेंसी या शॉर्टेज ऑफ कैश जो है वैसी सिचुएशन अगर फेस कर रहे हो उस वक्त ये इस तरह की फैसिलिटी यूज में आती है। दिस रेट इज हायर देन रेपो रेट। इसका जो रेट होता है वो रेपो रेट के कंपैरिजन में थोड़ा हायर होता है। इसके अलावा इस तरह की फैसिलिटी को आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कह सकते हो। सो दिस इज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इन विच the bank can borrow from RBI against approved government security in emergency situation. तो किसी भी तरह की emergency situation में कोई bank RBI से directly borrowing कर सकता है किसी approved government security के against या फिर उसके exchange में।
तो इसका जो रेट होता है वो रेपो रेट से थोड़ा ज्यादा होता है, और इसको इस फैसिलिटी को जिसमें बैंक आरबीआई से बोरो कर सकता है किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अगेंस्ट और इन एक्सचेंज ऑफ अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इस फैसिलिटी को आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कह सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कैश रिजर्व रेशियो, तो ये भी क्वांटिटेटिव मेजर्स में आता है। सो इट इज द मिनिमम कैश रिजर्व विथ आरबीआई। तो हर एक बैंक को ऑल ऑफ द बैंक हैव टू मेंटेन मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो विद द आरबीआई। उनको आरबीआई के साथ एक मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो या फिर आरबीआई के रूल के तहत उन्हें मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो अपने पास मेंटेन करके रखना होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कैश रेशियो। इस कैश रिजर्व रेशियो को वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो भी कहा जाता है बिकॉज द आरबीआई कैन इंक्रीज और डिक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो आरबीआई जो है वो अपने हिसाब से कैश रिजर्व रेशियो जो है उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। इस वजह से इसको वेरिएबल कैश रेशियो कहते हैं। एंड इन द स्टेट ऑफ एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशन द आरबीआई कैन इंक्रीज सीआरआर, एंड इन द स्टेट ऑफ डेफिसिट डिमांड और डिफ्लेशन द आरबीआई विल रिड्यूस सीआरआर। तो अगर इन्फ्लेशन और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो तो आरबीआई जो है वो सीआरआर को इंक्रीज करेगा, यानी कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज करेगा ताकि वो स्थिति जो है वो स्टेबल हो सके, उस स्थिति में थोड़ा घटाव आए। और अगर डेफिसिट डिमांड और डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई जो है वो सीआरआर को रिड्यूस करेगा जिससे कि वो सिचुएशन ठीक हो सके। नेक्स्ट थिंग इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी एक तरह का रिजर्व रिक्वायरमेंट है। ये रेशियो भी बैंक को अपने पास मेंटेन करके रखना होता है। इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डेपोजिट विच द बैंक विल कीप इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश गोल्ड और अदर सिक्योरिटी। तो ये भी एक तरह का रिजर्व रेशियो है, या आप कह सकते हो एक तरह का मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है जो बैंक को अपने पास गोल्ड लिक्विड कैश या अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रखना पड़ता है। इट इज द एक्सपेक्टेड रिजर्व रिक्वायरमेंट। सो यू कैन से दैट इट इज द एक्सपेक्टेड रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट द बैंक हैव टू कीप इट विथ हिमसेल्फ और विथ देमसेल्फ बिफोर मेकिंग द पेमेंट ऑफ क्रेडिट टू द कस्टमर। तो किसी भी कस्टमर को क्रेडिट प्रोवाइड करने से पहले ये एक एक्सपेक्टेड रिजर्व रिक्वायरमेंट है जो बैंक को अपने पास रखनी पड़ती है। सो व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द एसएलआर एट दैट टाइम द बैंक्स कैपेसिटी विल रिड्यूस टू क्रिएट द क्रेडिट फॉर द कस्टमर। तो अगर एसएलआर के रेट में किसी तरह का इंक्रीज होता है, इसके रेशियो में इंक्रीज होता है, तो बैंक की मनी सप्लाई या फिर लोन क्रिएट करने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। सो इट रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ बैंक टू क्रिएट लोन एज वेल एज सप्लाई ऑफ मनी टू रेज द सप्लाई ऑफ मनी बाय द वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। And if there is a decrease in SLR, then it will increase the capacity of bank to create loans and raise the money supply by the way of credit creation. तो SLR और bank के credit creation के बीच में एक थोड़ा direct connection बनता है, क्योंकि अगर SLR का रेट जो है, रेशियो जो है, उसको अगर इंक्रीज किया जाए तो बैंक की लोन क्रिएट करने की कैपेसिटी जो है, या फिर जो मनी रेस करने की जो कैपेसिटी है और सप्लाई ऑफ मनी जो है उस पर खराब असर पड़ता है, वो कैपेसिटी घट जाती है।
जबकि SLR जो है अगर उस रेशियो में डिक्रीज होता है, वो रेट अगर डिक्रीज हो जाता है तो बैंक की लोन क्रिएट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और वो मनी सप्लाई जो है वो भी ज्यादा कर पाएंगे बाय द वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। सो दिस इज द टॉपिक एंड दिस इज द पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे के क्रेडिट क्रिएशन और जो सप्लाई ऑफ मनी जो होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। थैंक यू।